मैं डॉक्टर सुजी रिचर्डसन फेस हॉस्पिटल से आज आप सबके सामने मैं एक नए टॉपिक के बारे में, हमारे वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए एक नए टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो है जीनियोप्लास्टी। हमारे डॉक्टर इससे पहले भी आपसे इस टॉपिक में बात किए थे, लेकिन मैं आप सबको कुछ बेस भी आपके बहुत ही छोटे छोटे डाउट्स है उसको लेके आई हूँ। एंड जीनियोप्लास्टी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जो हमारे जबड़े में किया जाता है। जबड़े जीनियो यानी कि चिन। ओके, सो हम इस पोर्शन में जो सर्जरीज करते हैं उसको हम जीनियोप्लास्टी बोलते हैं। जीनियोप्लास्टी यानी कि जो जबड़े की सर्जरी है वो हम अपने फंक्शनल इश्यूज़ यानी कि किसी किसी को खाने में, खाना चबाने में या फिर बात करने में ऐसे कई डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, अगर चिन का शेप सही नहीं है या उसके किसी का चिन बड़ा रहता है, किसी का ब्रॉड रहता है, किसी का बहुत ही शेपलेस रहता है, उसके लिए हम कर सकते हैं। और कॉस्मेटिक पर्पज़ यानी कि अपने चेहरे का सुंदर, मीन्स जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर जो मीडिया या फिर जो कैमरा में फेस करके ज़्यादा वर्क करते हैं वो लोग करवाते हैं। तो जीनियोप्लास्टी हम बेसिकली चिन का शेप यानी कि जबड़े का शेप इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। किसी किसी का आगे होता है, किसी का बहुत अंदर होता है, तो वो लोगों के अपीयरेंस यानी कि उनके चेहरे को बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो उसके लिए हम जीनियोप्लास्टी एडवाइस करते हैं। और जीनियोप्लास्टी कई तरीके से किया जाता है, जिनका जबड़ा छोटा रहता है उसको हम ग्राफ्ट या फिर ग्राफ्ट की मदद से उसे अच्छा शेप देते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। और जिसका जबड़ा बड़ा रहता है उसको हम थोड़ा सा कट देकर अंदर की ओर करके वो इम्प्रूव करते हैं, यानी कि आप हमारे यहाँ पे सर्जरी के बाद उसका शेप भी इम्प्रूव होना चाहिए और पेशेंट को उससे कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, लाइक खाने में या फिर बात करने में ऐसा कोई तकलीफ़ ना हो, इस प्रकार से यह किया जाता है। एंड जीनियोप्लास्टी सर्जरी के बाद का जो पोस्ट रिकवरी होता है, रिकवरी वो काफ़ी अच्छा होता है, उसमें ज़्यादा तकलीफदायक नहीं होता है। पेशेंट्स 5 दिन हमारे हॉस्पिटल में स्टे करते हैं, मेडिकेशंस रहता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर रहते हैं, एंड उसके बाद हम पेशेंट को 2 हफ्ते का रेस्ट कहते हैं। जीनियोप्लास्टी का कंसल्टेशन के लिए जब पहली बार आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो डॉक्टर आपको अच्छी तरह से जांच करेंगे, आपका जो प्रॉब्लम्स है वो सब पूरा वो डायग्नोस करेंगे। उसके बाद हम आपको एक स्कैन के लिए भेजेंगे जिससे हमको पूरा जबड़े का एनाटॉमी यानी कि उसके आसपास से गुजरने वाले स्ट्रक्चर्स, मसल्स वगैरह का सारा मीन्स कोई रिस्क ना हो, इसलिए हम स्कैन में अच्छे से पता कर लेते हैं कि कोई ब्लड वेसल्स या फिर कोई नस जो आपके जबड़े से पास हो रहा हो। और उसके बाद अगर आप फिट है सर्जरी के लिए यानी कि आपके सर्जरी में कोई रिस्क ना है तो हम आगे बढ़ते हैं, जो कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, खून और वगैरह का जांच कर उसके बाद हम सर्जरी फिक्स करते हैं। एंड उसके बाद सर्जरी 2 से 3 घंटे तक का रहता है। ये अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग नीड्स होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स से आने वाले पेशेंट्स का फ्रैक्चर रहता है तो वो फिक्स करने के लिए हमें प्लेटिंग्स करना पड़ता है या फिर उस तरह से करना पड़ता है। और जो कॉस्मेटिकली इश्यूज से आते हैं उसको उस हिसाब से करना पड़ता है। सर्जरी 2 से 3 घंटे तक का होता है और ये हम कम्प्लीटली जनरल एनेस्थीशिया यानी कि आपको कम्प्लीटली बेहोश करके करते हैं, इसलिए सर्जरी के दौरान आपको कुछ पता नहीं चलेगा, दर्द या कोई सेंसेशन आपको नहीं होगा। सर्जरी के बाद इमीडिएटली आपको एनेस्थीशिया से जगाया जाता है, उसके बाद आपको हम आईवी फ्लूइड्स और मेडिसिंस में रखते हैं जिससे आपको दर्द या फिर कोई डिस्कम्फर्ट, कोई इन्फेक्शन ऐसा कुछ भी चांसेस नहीं रहे। उसके बाद जीनियोप्लास्टी में है चिन स्कल्पटिंग या फिर जॉस का स्कल्पटिंग, यानी कि जो सेलिब्रिटी लेवल में जो वर्क करते हैं उनको जॉ लाइंस बहुत ही मायने रखता है, तो जॉ लाइंस को एनहांस करने के लिए हम
चिन स्कल्पटिंग करते हैं, यानी कि उसको शेप करना, जो यहाँ के हड्डियाँ कभी कभी किसी के बहुत ही ऐसे प्रोमिनेंट होते हैं, तो उसको हम शेप करके डिज़ायर्ड शेप, मीन्स जो शेप पेशेंट चाहता है उस तरह से हम करके देते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। पेशेंट कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन में रहता है 72 घंटे तक। तो स्वेलिंग भी रहता है चेहरे पे, जो 72 घंटे के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर आपको इसका डिफरेंस पता चलने लगेगा, लाइक सर्जरी के पहले का और बाद का। आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स हम सर्जरी के 3 महीने बाद आपको वो पूरा कंप्लीट डिफरेंस पता चलेगा। मीन्स आप सर्जरी के पहले आपको आपका चेहरा कैसा था, और 3 महीने बाद आप एकदम आपके जो रिजल्ट्स से आप काफ़ी खुश रहेंगे। अगला एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, यानी कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहता है जीनियोप्लास्टी के कॉस्ट के बारे में। आपको कॉस्ट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके फ़ोटोज़ भेजकर उस हिसाब से डॉक्टर कंसल्ट करेंगे आपसे, और आपको उसका कॉस्ट बता देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी सवाल जवाब है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप आगे भी जिस टॉपिक्स पे वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप नीचे कमेंट्स में हमको बता सकते हैं, ताकि हम आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकें। थैंक यू।